आज के एविक्शन प्रोग्राम में अराउंड 400 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व हैं, 150 CRPF एंड देन 250 आर आसाम पुलिस पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो ऑफिसर्स हैं, GOs, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, सो इन टोटल करीब 425 हो जाएंगे. इतना ही ज़रूरत है बिकॉज पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हम लोग ऑलरेडी जिन लोगों को एविक्शन करना है उनसे नेगोशिएट कर रहे थे. जितने लोग रेंट में थे ऑलरेडी उन्होंने खाली कर दिया, सो ज़्यादा पॉपुलेशन बचा नहीं है. उस प्रोपोर्शन में हमारा पुलिस फोर्स सफिशेंट है, 1:2 का रेशियो है, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. 11 JCB हमने अरेंज किए हैं, तो जैसा आपने देखा है कि बड़ा कंजस्टेड प्लेस है, तो वील स्टार्ट विद 2 JCBs एट वन पॉइंट. और JCB से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मैनुअल रिमूवल का ज़्यादा काम होगा. ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स बैम्बू के हैं, सो एक बार JCB चल जाता है तो वो मैनुअल डेब्री को निकाल के वहाँ से बाहर करना, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन JCB. तो अब ये तो डिपेंड करेगा, वी एंटिसिपेट कि शायद 4-5 घंटे 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बट अगर प्रोलॉन्ग होता है तो शायद नेक्स्ट डे भी करना पड़े, बट वी एंटिसिपेट कि शायद 5-6 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा पड़ेगा. अभी तक तो नहीं है बिकॉज पिछले 6-7 दिन से हम लोग कंटिन्यूस उनसे नेगोशिएशन कर रहे थे. बीच में एक फेज़ आया था जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था कि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस किया है क्या, बट कल परसों 2 दिन ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो विड्रॉ हुए हैं तो वी आर नॉट टचिंग देम, बट जो नहीं हुआ है गवर्नमेंट लाइन में उस पर एविक्शन हो रहा है. सो कल शाम तक क्लियर होने के बाद लोगों ने ज़्यादातर अपने आप खाली करना शुरू किया है, और बाकी जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो हम ले भी रहे हैं, आज भी लेंगे, इलेक्ट्रिकल साइड से हो, फायर की तरफ से हो, सो दैट नथिंग अनटूवर्ड हैपन. एंड लार्जली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑफ द पीपल जिनको हम एविक्ट कर रहे हैं पीसफुली, क्योंकि दे नाउ हैव टू रियलाइज कि जिनका होना है अब आज कर ही रहे हैं, पीसफुली क्लियर हो जाने से क्लियर ही है. अराउंड अमर 3 पैच आस है, तो ये 3 पैच अराउंड 150 घर हम, 150 घर अराउंड 1200 मानु आसे. सो अलरेडी केंबाटाओ राउंडर टॉकिंग करा हुआ है काउंसिलर तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. सो अलरेडी बेसी संख्यक मानुहे घर एरी गैसे अलरेडी, और जी बस्तु बहन आसे लय गई से. सो आई थिंक बेसि असुविधा एक नए पीसफुल आम 4-5 घंटा मान भर कमप्लीट कर. एक्चुअलि स्टे अर्डर जिकटा डागर सम्पर्क आचुअल 4 डागर रिलेटेड स्टे अर्डर आट एक्जेक्टलि स्टे अर्डर, पिटिशनर हेज मूव टू हाई कोर्ट एंड अकॉर्डिंगलि द काउंसिल इज कम्युनिकेटेड एंड काउंसिल हेज विथड्रॉन दोज their notice regarding those dags. So therefore the writ petition that is filed by the petitioner that is dismissed by the high court because counsel has already withdrawn that. So the matter is sub judice. So once the matter will be solved by honorable high court, accordingly those dags will be taken up. So they are mostly people coming from different parts, mostly the rented people. ठीक है, यहाँ पे वो लोग जो काउंसिल की माटी था उसमें जो मैंने इलीगल तरीके से एनकॉच करके रेंटेड हाउस वगैरह बना हुआ था वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो अलग अलग एरिया में काम करते थे. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी फॉर अस आल्सो, वी कन्विंस देम जो रेंटेड लोग थे वो लोग इसलिए निकल भी गए. सर माटी रेवेन्यू लैंड है ना की है? इट इज़ काउंसिल लैंड. सो उसमें बिकॉज एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी डोंट लुक आफ्टर the land matter, so council official will be able to tell you much better way in that. See, जो पट्टा land है उनको जो हमारे ये आज के जो eviction drive है उसमें include नहीं किया हुआ है. ठीक है, see there is a huge patch. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे sub patches है. So आज हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 patches में मैंने eviction होगा.